Good evening, friends. Welcome to Let's Talk Nifty, where we try and analyze what the indexes are up to and what messages they are giving for us to trade tomorrow. So today, as expected, market was in a sideways move. I doubt if anyone could trade the first bar. At least I couldn't. So what's यहाँ पे जो क्लियर है वो बात है कि मार्केट अभी जरा मेरा फीलिंग था कि बैरिश है वो थोड़ा कंफर्म हो रहा है. अभी मार्केट अभी बुलिश होने के लिए 19600 के ऊपर और ए हाई के ऊपर 19630 के ऊपर ट्रेड करना है तभी बुलिश होगा. टिल देन इट इज़ अ सेल. अभी आज ए ट्रेंड लाइन देखेंगे तो यहाँ पे ये कैंडल ने ये तोड़ा है, कंफर्टेबली नीचे क्लोज किया है और अभी हम देखेंगे क्या होता है. ओके सो कल मार्केट रेसिस्टेंस लेगा यहीं पे 19550 टाइप्स, राइट, वरना गैप डाउन करके इसके नीचे आएगा तो भी हम सेल कर सकते हैं. तो टारगेट्स होंगे 19462 एंड 19322. दैट इज़ इंटरडे टारगेट्स. ओके और बाय एनी चांस इफ वी कम्प्लीटली गो रॉन्ग इन आवर एनालिसिस एंड इट इज़ अ बुल अबाउ 630-640 एंड देन यू कैन लुक फॉर 1900-1880 इन अ स्विंग लेवल. ऑफकोर्स देर आर रेजिस्टेंसेज बिफोर दैट बट लुकिंग एट द मोस्ट पॉसिबल यूज केस आई थिंक इट इज़ गोइंग टू एट द गैप डाउन और अ फ्लैटिश और गैप अप. तीनों के केस में हम सेल करेंगे और कल थोड़ा अच्छा मोमेंट आना. जैसे जब भी मार्केट गिरा तो उसका कैंडल का सेलर सेलिंग पावर तो बहुत बढ़ा था. तो अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो आज यहाँ पे इसको सेटल होना था और यहाँ से ऊपर जाना था. ओनली थिंग गोइंग फॉर बुल्स इज इट टुक सपोर्ट एट द प्रीवियस डेज लो. सो and we saw some kind of buying over there. Abhi dekhte hain kya hota hai. We'll be open to both sides for now but bias towards short side for targets of 19462 and 19322 and nifty. Abhi aur friends abhi bank nifty dekh lete hain. So bank nifty there was actually more time to sell. If you look at a 5 minute chart to thoda acha selling tha bank nifty mein to कर सकते थे. मैंने किया नहीं. As I said, I was going to stay away from market because I wanted to really make sure that what direction market is going before I enter my trade. So अभी थोड़ा कन्फर्मेशन आ रहा है कि ये नेगेटिव साइड में जा रहा है. तो अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे. तो ये बड़ा सेल कैंडल उसका 50% रिट्रेस हो गया. तो अभी ये ट्रेंड लाइन जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है जैसे निफ्टी में ब्रेक किया इसमें ब्रेक नहीं किया तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज मिलता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं. तो अपना टारगेट रहेगा 44102 एंड 43900. तो ये दोनों टारगेट रहेंगे अपने. और ऊपर की तरफ कब जाएगा ये अगर 44550 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तभी और पॉजिटिव कैंडलस्टिक बनाए तभी हम 44945 का टारगेट देख सकते हैं. तो बायस डेफिनेटली बैरिश. गैप डाउन हुआ था बहुत अच्छा. गैप डाउन होके यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के नीचे गिरा तो एक 300-400 पॉइंट का मूव मिल सकता हमें. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारो. आई होप दिस वीडियो वॉज वैल्यूबल टू यू एंड इफ सो प्लीज़ डू लाइक एंड encourage and if you are watching it for the first time please do subscribe to the channel. Thank you very much and if you're too busy trading and don't have time to like okay that's fine perfectly okay bye bye have a tala terichava rota age vaadana kottara maanidu petal vedum adu kattayam ettinde putulla ko